क्या दोस्त, तुम कैसे, तुम बीमारी पड़ गए हो तुम यार, खोखरी धर लिया तुमको। आग जला के तुम बैठे हो, इतना ठंडा भी नहीं है मौसम। काम धाम करना है नहीं, दिन भर घर में बैठे रहना है। ठंडी नहीं लगे तो क्या लगेगा तुमको, बुखार नहीं होगा तो क्या होगा तुमको, क्यों मम्मी? अच्छा बोलता हूँ, मेरे को आप अपॉइंट कर लो अपने बिहाफ में से चमकाने उमकाने के लिए। मैं तो अपॉइंटेड हूँ ऑलरेडी। What's up guys? Welcome back to another vlog. फिलहाल इतने दिनों के बाद मैं फिर से कार पे जा रहा हूँ, क्योंकि वेदर जो है रायपुर में बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, अभी जा रहे हैं हम ऑफिस, और ऑफिस से हो सकता है हमें नया रायपुर जाना है, तो दादा भी वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं नया रायपुर। और पिछले दो दिनों से रायपुर में बड़ी भारी वर्षा हो रही है। ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर ना कोई एकदम दबाव का क्षेत्र बन गया है, तो उसकी ये पानी है, मतलब वो जो बारिश है वो वहाँ दबाव बना है तो इधर बारिश हो रही है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, जो भी है अपन चलते हैं ऑफिस। वेलकम सर, वेलकम वेलकम टू ओल्ड इज गोल्ड वाला रेड्स कार में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे पुरानी रेड्स कार में आपका स्वागत है। अरे भाई एकदम स्मेल आ रहा है। चूहे का क्या? इसका आ रहा है क्या? इसका ये डावर गोली ना? नहीं नहीं सही है, जरूरी है। वो भी रखा है, वो ये रखा है ना। फिर साला मर नहीं रहा चूहा, पता नहीं। अरे यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ पे आता होगा। हाँ वहाँ भी उसमें एक बार चिपका था, तो वो दूसरा चूहा है। इसमें मत रखना, यहाँ एसी के अंदर से आता होगा। गाइस अपन पहुंच चुके हैं ऑफिस। रोज का काम है, मतलब कोई नया नहीं है हमारी जिंदगी में, कुछ नया नया बस इतना हो रहा है कि थोड़ा पैसा आ जा रहा है, बस उतना ही नया होता है। आगे आ जा। इसके लिए आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ये स्थान। हाँ वो यस, ये भी दिखता है, वो भी दिखता है। ये पहले से सीट बेल्ट लगा लिए जी, अब आदत पड़ गई। हाँ चलो, कुछ तो अच्छा हुआ मेरे आने से, सीट बेल्ट लगाना सीख गए। खिलौना जैसे खेल दे रहा है। ओ हे राम गाइस, बहुत तेजी से वर्षा हो रही है यहाँ। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, साहू जी का होटल है, साहू होटल फुंडर चौक पे। अब मेरे को सख्त हिदायत दी गई है कि भैया तुम बाहर का नहीं खाओगे, तो हम बाहर का नहीं खाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी से नहीं उतर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है बाहर कुछ मीठा मिल रहा है, जलेबी वलेबी होगा तो खाएगा, मिठाई विठाई खाएगा, लेकिन समोसा नहीं खाएगा सर। ओके ठीक भाई साहब, अभी हम लोग जा रहे हैं रेड्डी साहब के पास में, न्यू रायपुर। देखिए गाइस, ये बाहर से सैलानी आए हुए हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं सैलानी। बर्फ गिरने जैसा माहौल हो चुका है रायपुर में। रायपुर बना शिमला। ये वही बोलने वाली गाइस हैं। बोलने वाले गाइस कैसे हैं गाइस? भाई हम लोग पहुंच गए हैं न्यू रायपुर अपने पुराने अड्डे में कॉफी के लिए, और पाजी जो हैं हमने उनको यहीं बुला लिया, क्योंकि यहां से वहां जाने का कोई अर्थ नहीं बन रहा था, अनर्थ हो जा रहा था, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है, और कैसा पेट्रोल पंप है क्या ही बताएं, ना ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं ना कुछ। ठीक है, पाजी आते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर जाते हैं। इस रेड्डी जी आ चुके हैं, ये रेड्डी जी की कार। पूरे एक साल बाद आज आपसे मुलाकात होगी। वो बन रहा है जो इंटरनेशनल टर्मिनल बन रहा है, साला ऐसा लगता है यहीं पे उतर रहा है। अब समझ आया, उल्टी भी हो सकता है इसमें, खतरनाक है ये, इसलिए पीछे बैठने में डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं थैंक यू। गाड़ी आप कुछ भी करो चलाओ, आपकी गाड़ी प्लीज। गो मस्त सनसेट हो रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं भाई साहब एयरपोर्ट। ठीक है, मतलब एकदम बेहतरीन वाले रनवे पे खड़े हैं, और बहुत जल्द ये रनवे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेशली अप्रोच किया है इस रनवे को बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दारू पीने आते हैं और टाइम पास करने आते हैं, और यू नो उस किस टाइप के टाइम पास करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है यहाँ पे मेजर, और लोग ये जो आप स्ट्रेट रनवे देख रहे हैं ना, इस रनवे पे आके भाई ड्रैग रेस करते हैं, मतलब क्या आए बाएं टाइप का। और अभी अभी एक अंकल घुस गए थे वहाँ पे, जोश से आए, एकदम जोश से सेंटर कूदाते हैं और सीधा गड्ढे में घुसे जाके। ठीक है, फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा सा शॉट बन रहा है। फ्लाइट आने वाली है, अभी अभी मैंने देखा झारसुगुड़ा से, अभी अभी अहमदाबाद की फ्लाइट लैंड की है, झारसुगुड़ा की आती है, उसके बाद फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज उतना ऐसा कुछ काम नहीं था ऑफिस में, तो हमने कहा भाई चलो आज मौसम भी ठीक है तो बाहर चल के थोड़ा सा सुल मौसम सुल यू नो सुल। गाइस ये आ रही है फ्लाइट, वाओ मैन, दिल्ली की फ्लाइट है ये। दादा कहाँ भाग रहे हो? आप कहाँ भाग गए थे? आप कहाँ भाग गए थे उधर? कल पकड़ लूँ।
अरे रिंकू भैया फोन लगाया हूँ पायलट को, केक राइडर देखो आप चाहते तो पायलट को फोन को फोन लगा दिया। कते कते मेरे पहुंचे होगा। हाँ, अले जल्दी उतरो, इधर खड़े होने मन जल्दी, यही में हरा गए। ऐसे क्या? ओ दे ओ दे आ गए, ओ दे ओ दे ओ दे, एकदम सही इन्फॉर्मेशन। हाँ पायलट मन मोर संगवारी है ना गाइस, हमारे यहाँ रनवे पे गोबर भी रहता है। इन्होंने चाबी घुमा दी है, अंदर तो नहीं रह गया। नहीं अंदर तो नहीं, कहाँ कहाँ गए थे आप वो देखो। गाइस इन्होंने चाबी गिरा दी, गाइस बहुत ही बेहतरीन खंड। ए दे दे दे, मिल गया मिल गया मिल गया यार, बधाई हो सर बधाई हो, इंसान दे दिए रनवे पे। गाइस फ्लाइट देख लिया आप लोगों ने, कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता देना। चाबी मिल चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे ऑफिस के लिए। बाकी सब बढ़िया, चलिए चलते हैं। सबके मोबाइल पे बस यही, ये देखिए धुएं का स्मेल आ रहा है ना ऊपर से। टुडेज प्रॉफिट क्या, 36 इन इक्वल टू 75, हाउ मच? मेरा 36.50। ओके गलत जगह खुल गया यार, चलो बंद हो भूख लग जाता है सब चीज देख के। वैसे तो मन मर गया है, ऊपर से चूहा का स्मेल आ रहा है, कभी चूहा सी। भाई मैं क्या बताऊं, अभी जस्ट मैं ऊपर बैठा हुआ था ऑफिस में और गाड़ी की फिर से बजने की आवाज आई। मतलब क्यों भाई चूहा, इसका मतलब अभी गाड़ी के अंदर है। वो साला इतने जोर से काटता होगा कि यहाँ से आवाज आना चालू हो जाता है, वही हुआ फिर से। खैर फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके बात करते हैं। हाय व्हाट्सअप, मेरा तू कह रहे जैसे थंबनेल तू थंबनेल अच्छा से तो डाला कर यार, मेरा मुंह अच्छा नहीं दिख रहा, बीमार हूं और तू ऐसा। तुम्हारे शरीर में ठंडी ज्यादा है क्या, ठंड ज्यादा लगता है तुमको? हाँ तो इसको एक काम करो, वो कश्मीर में एक प्रकार का कपड़ा आता है ऐसे झोला जैसे, उसके अंदर से इगली को ऐसे घुसा कर रखे रहते हैं ऐसे, तो ऐसा तुम कार्य कर सकते हो इफ यू वांट। तुम हमेशा अंदर रखे रहना, तुमको बहुत गर्मी होती रहेगी। चार पांच दिन से ना ही नहीं हो गए, कभी बताना तो कंघी क्या बात करती। मेरे भी बुखार है, मेरे भी तबीयत खराब था कल रात को, मेरे भी ठंडी लग रहा था, मेरा भी 103 डिग्री चले गया था टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? तो तुम जल्दी से एक साइज सुनाओ भाई हाथ सा, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। अच्छा मोबाइल नहीं रखे हो गया? मैं तेरे को एक कहानी बता रही हूँ। आजकल मैं मुनीमगिरी का काम शुरू करी हूँ, मैं पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी मैं पापा की मुनीमगिरी हूँ और पहले किसी और की मुनीमगिरी थी, दोनों में कुछ कुछ अंतर था। पहले क्या था, एक एक रुपया गुड़ाकू उड़ाकू का मुनीमगिरी लिखती थी मैं। अच्छा, एक रुपए का गुड़ाकू, 8 रुपए का गुड़ाकू और 2 रुपए का धनिया पत्ती, ऐसा वाला मुनीमगिरी का लिखती थी, काम करती थी पहले। और अब क्या है, गुड़ाकू फैक्ट्री में काम करती थी तब। मैं गुड़ाकू फैक्ट्री में काम करती थी ना मुनीमगिरी का। गुड़ाकू फैक्ट्री में कुछ लोग गुड़ाकू भी खींचते रहे होंगे साथ में बैठ के तेरे। अरे मेरा हालत खराब हो जाता था यार, दो पर दूरी पे बैठती थी। दो फीट दूरी में बैठती थी, बदबू आता था। तो